नमस्कार दोस्तों, टेक्मोबिट चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लूटूथ स्पीकर लेटेस्ट JBL का, जो जून मंथ में लॉन्च हुआ है टोक्यो में। और मैंने इसे यहाँ के बिग कैमरा से लिया है। ये काफ़ी बढ़िया स्पीकर है JBL का, जिसमें जो कि RGB LED डिस्प्ले है, जिसमें सॉन्ग के साथ आप एक काइंड ऑफ पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव इसका कवर भी है और कुछ हैवी लग रहा है देखने में। इसका जो प्लास्टिक का वेट है, आई थिंक इसका वेट अराउंड 1.2.7 पाउंड है, तो वेट इसका करीबन सवा किलो इसका वेट है। और काफ़ी अच्छा है देखने में। और इसमें आपको जो है JBL की टैगिंग मिल जाती है, और कुछ ऐसा है देखने में। और आपको यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन और पॉज करने का, प्ले करने के लिए। और इस तरफ देखें तो आपको ये LED इंडिकेटर मिल जाता है, बैटरी इंडिकेटर, और ये चार्ज करने के लिए जो है Type-C पोर्ट है। और इसके साथ JBL की टैगिंग भी है, साथ में ऊपर ये पार्टी बूस्ट का बटन है और लाइटनिंग बटन है। ये आप पार्टी बूस्ट बटन से सिमिलर स्पीकर जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो साउंड काफ़ी एनहांस हो जाएगा। 360 डिग्री ये जो है इसका साउंड एरे है, और काफ़ी अच्छा ये इफ़ेक्ट देता है साउंड का। मैंने और भी कई वीडियोस देखी हैं उनमें, और आज मैं खुद इसे प्ले करके आपको दिखाने वाला हूँ। और ये एज़ यूजुअल इसमें जहाँ तक मुझे लगता है मैनुअल होगा, और मैनुअल है जो कि हम कभी देखते नहीं। एक Type-C केबल है और एक मैनुअल मिल जाता है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसे कनेक्ट करते हैं। पावर बटन से ऑन कर दिया मैंने, अब ब्लूटूथ में ऑन किया। ब्लूटूथ में ऑन करने के बाद मैं अपने फ़ोन पे भी ब्लूटूथ से इसको सर्च करके JBL पल्स 4 के नाम से आ गया, आप देख सकते हैं। अब ये कनेक्ट करने के बाद जल्दी से कनेक्ट हो गया। अब JBL कनेक्ट करके मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, जिससे आपके अलग अलग कलर्स की वेरिएशंस को इसमें चेंज कर सकते हैं। और भी उभर कर आ रहे हैं इस वक्त। साउंड और लाइट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अलग ही है। एक चलिए दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक इसमें आपको नहीं मिलता। और सेकेंडली, ये स्पीकर काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, करीबन 20,000 रुपये का। तो 12 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ एक ठीक ठाक साइज़ के रूम में अच्छा साउंड इफेक्ट देने वाला, मुझे तो काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर लगा। आप लोग बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।